हेलो, नमस्कार दोस्तों। आई गेस आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, आप मुझे कंफर्म करके बता दीजिए। और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप आ चुके हो तो आप मुझे जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि हमारी ऑडियो आ रही है नहीं, और वीडियो भी चलिए शुरू कर देते हैं, आपके स्क्रीन के सामने आ रही है। तो चलिए पेश करते हैं एनटी अभ्यास के कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यूज जो आपको रिविजन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हम लाइव आ चुके हैं नहीं आए हैं, उस हिसाब से हम शुरू करते हैं। ओके शेयर ओके, यस आई गेस वी आर लाइव नाउ। मेरी आवाज़ आ रही है, कम्प्लीटली मेरी वॉइस आ रही है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ सौरभ शर्मा। ओके, वॉइस आ रही है, वीडियो लाइक हो गई। हाँ जी, हो गई। तो चलिए शुरू कर दिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, नियरली 60+ या 70+ क्वेश्चन करने वाले विद प्रॉपर डिस्कशन। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, रेडी हो जाइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने पूरा विजिबल है नहीं, आप मुझे जरा बताइएगा। ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। ओके, मैं अभी ऑप्शंस को ठीक कर दे रहा हूँ जिससे अभी आपको क्वेश्चन पूरे दिखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। मैं हेडिंग डाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, इनुलिन। इनुलिन के बारे में पूछा गया है। ओके, इनुलिन फाउंड इन द प्लांट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। इनुलिन बोला है, इंसुलिन नहीं बोला है। इनुलिन रूट्स ऑफ डालिया में मिलता है, डालिया का रूट्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट इज अ पॉलीसेक्राइड। इनुलिन एक्चुअली इसके मोनोमर कौन कौन है, मतलब इट इज अ बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, याद रख लीजिएगा, फ्रुक्टोज इसका मोनोमर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आपने ईजिली डन कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। यहाँ पे आपको जज करके बताना है कि रेडियल सिमेट्री किसमें मिलने वाली है। रेडियल सिमेट्री, अब जल्दी से बता दो यहाँ पे गाइज, रेडियल सिमेट्री किसमें मिलेगी। इजी सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना, आंसर आ जाएगा। रेडियल सिमेट्री, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सर, ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आंसर। बहुत ईजी सवाल है, याद करिएगा। जब आप लोग ओके, 2 का बी हो जाएगा, वेरी गुड, ल्यूकोसोलेनिया मिलेगा यहाँ पे। अब आप बोलोगे ल्यूकोसोलेनिया कैसे हो गया, याद करिएगा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज आर असिमेट्रिकल, नॉट ऑल। ठीक है, नॉट ऑल, तो इसका 2 का बी होगा, ये चीज याद रखना। टीनिया नहीं होता है ना, टीनिया को आप कहाँ से बोल सकते हो रेडियल, ना वो तो गलत हो जाता है। ओके, तो आंसर भी नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल मटेरियल टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के डिफरेंट स्टेजेस को स्टडी करना है आपको, चलिए जल्दी बता दीजिएगा। मियोसिस के डिफरेंट स्टेजेस को क्या चीज लेके आप स्टडी करोगे। ओके, बेसिकली आपको लिखा है रूट टेल या फिर लीफ, लीफ लिखा है, अनियन का रूट टिप लिखा है। तो इसमें आपको क्या मियोसिस बोला है गाइज, अनियन का रूट टिप मियोसिस दिखाएगा क्या? अनियन का रूट टिप तो आपको मियोसिस नहीं दिखाएगा। आप थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं, अनियन का रूट टिप माइटोसिस दिखा सकता है, ऑब्वियसली मियोसिस नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, फ्लोरल बड इज द आंसर ऑफ चॉइस, बिकॉज यहाँ पे आपको मियोसिस बोला है। और आपको पता है अगर वो फ्लावर का बड है तो ऑब्वियसली उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रहा होगा, गैमेटोजेनेसिस हो रहा होगा, राइट, गैमेटोजेनेसिस हो रहा होगा। तो आंसर भी नंबर डी। तो देखो सवाल कितना घूम गया। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड नियर द न्यूक्लियस। फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्ना, सिस्टर्ना किसके पास होता है, जीबी के पास होता है, गॉल्गी बॉडीज। तो आंसर भी नंबर डी, 4 का क्या हो गया, डी हो गया। ओके चलो कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बेसिक सवाल। ओके, डिफरेंशिएटेड सेल इन नॉस्टॉक दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। तो क्या चीज, कौन सा सेल हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सबको पता है हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट इज द आंसर ऑफ चॉइस, 5 का डी। क्लियर हो गया, ओके 5 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ आगे बढ़ते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है, पहले पढ़ते हैं मिलके। रुबिस्को एक्ट एज कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एट द साइट ऑफ ऑक्सीजन फिक्सेशन, ओके इन C4 प्लांट। ओके, और क्या लिखा है यहाँ पे, द फंक्शन इज अश्योर्ड, यहाँ पे CO2 फिक्सेशन लिख लेंगे। आइए देखते हैं, द फंक्शन इज अश्योर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। चलिए अल्टीमेटली देखो, क्वेश्चन का मीनिंग आपसे यही पूछा गया है कि C4 प्लांट के अंदर आपको ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी नहीं दिखती, ये ऑक्सीजन सही है क्यों, बिकॉज याद करिएगा आपको C2 साइकिल देखने को नहीं मिलता। C4 प्लांट में C2 साइकिल देखने को क्यों नहीं मिलता, रीजन क्या है, रीजन है ब्रेकिंग डाउन ऑफ C4 एसिड इन द बंडल शीट सेल। 6 का डी नहीं होगा,
याद रखिएगा एफिनिटी ज्यादा है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, एट द साइट ऑफ ऑक्सीजन फिक्सेशन, मतलब मान लो कभी अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया और CO2 कम हो गया है तो ऑक्सीजन से बाइंड करना प्रेफर करेगा ना तुम्हारा रूबिस्को, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है हम लोग क्या करते हैं CO2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो जिनको ये आइडिया नहीं था काइंडली राइट दैट डाउन, आंसर विल बी नंबर सी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, डी नहीं होगा इसमें, सी हो जाएगा एलिमिनेशन, क्योंकि आपसे C4 प्लांट पूछा है ना, C4 प्लांट पूछा, उसमें क्या होता है पहले आपने जो एसिड बना आपका C4 उसको ब्रेक किया जाता है CO2 रिलीज करने के लिए। आइए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किड देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट। एक ऐसा ट्रीटमेंट भी होता है स्किड का जो एल्डरलीज में होता है, उसमें बार बार ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, क्यों? जैसे मान लो अगर किसी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट डाल दिए हैं, अब वो तो थोड़े दिन ही रहेंगे ना जेनेटिकली मॉडिफाइड, फिर वो वापस खत्म हो जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो आंसर क्या करना पड़ेगा, ओके तो आंसर भी 7 का ए। देखो आप खुद जज कर सकते हो आर दे यूजफुल और नॉट, राइट, बिकॉज दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, ये वाला भी एनसीईआरटी में है। अब अगर आप ये बता दो मुझे नेट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस के नेट प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज एंटर हुआ, ओके ग्लूकोज एंटर हुआ 6 कार्बन, और यहाँ पे निकलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पायरुविक एसिड, 2 ATP और 2 NADH आ रहा है, तो आंसर 7 ए, ये 8 का 8 का ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने एक मैचिंग आ गई है, मिलके मैचिंग करेंगे। ठीक है ये एनसीईआरटी में मैचिंग ये भी है, मतलब मैचिंग क्या, ये सब टर्म दिए गए हैं। ओके लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, एवरीवन नोज अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, तो ए का टू कितने जगह दिया है, 1 2 3 जगह दिया है। अब लिखा है रिजर्व पिन राउल्फिया से मिलता है, ये भी दिया गया है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आपने पढ़ा था। ओके तो बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 कहाँ दिया, 2 जगह दिया है। सी नंबर लिखा है एंटी कैंसर ड्रग और एक्सॉटिक, एक्सॉटिक के बारे में तुमको पता है लैंटाना, तो लैंटाना एक्सॉटिक हो जा रही है, तो डी का 1 हो रहा है, तो डी का 1 यहाँ मिला है और सी का 3 हो गया, एंटी कैंसर फ्रॉम यू ट्री, तो आंसर भी नंबर ए। देखो कितना इजीली तुमने 9 नंबर को एलिमिनेट करके निकाल लिया। ठीक है 9 का बी कहाँ से हो रहा है जी, ठीक है बी का तो 4 है ना, तो 9 का क्या हो जाएगा, ओके 9 का ये हो जाएगा ना। चलिए आइए आगे बढ़ जाते, लाइक नहीं किया क्या, ओके चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इन बैक्टीरिया, अगेन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, आप देखो आप कैसे, अगर कोई गलती कर रहा है तो जल्दी से माफ कर दो यार, शेयर नहीं किया सेशन यार तुम लोगों ने, जल्दी से शेयर लगा दीजिए एकदम, शेयर का ऑप्शन, ठीक है व्हाट्सएप में शेयर कर दो, स्टेटस, ओके इंस्टाग्राम, कहीं भी लगा दीजिए। आइए देखते हैं, तो इसका 10 का 11 का क्या हो जाए, ओ सॉरी ये 10 है, सॉरी 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 ये 10 है ना, ये 10 है, मेरा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक चलता है कभी कभी, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, क्या हो जाएगा आंसर, तो सर इसका आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं इनके पास और हिस्टोन का भी सीन नहीं है, ओके और वैसे भी उससे थोड़ी होगा, तो आंसर भी नंबर ए न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। चलो आ जाओ रिलेटिव्स, जा आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्वेश्चन नंबर 11 गाइज, एक और मैचिंग दिया गया है, मैचिंग से क्या होता है ना, 4 क्वेश्चन आप एक बार में सीख जाते हो। प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी तो स्विस चीज हो गया, सी का 4 हो गया, तो सी का 4 2 जगह मिल रहा है, ए का क्या लगाना चाहिए, लैब, लैब से दूध से दही बना रहे हैं, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 लग गया, तो आंसर भी नंबर बी, क्लियर हो गया 11 का 11 का बी, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या सवाल है, सर सिट्रस के सीड में एनसीईआरटी में लिखा गया, तो आप क्या यूज करने वाले हो, सर न्यूसेलस यूज करने वाले हैं, जो तुम्हारे पास पॉलीएम्ब्रायोनी वाली जो सीन आ रही है ना, पॉलीएम्ब्रायोनी के लिए क्या करोगे, न्यूसेलस यूज कर लें क्या, यूज कर लीजिए आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन बेसिक सवाल, यहाँ पे बताइएगा क्रेब साइकिल कौन से स्ट्रक्चर में होता है भाई, क्रेब साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल, क्लियर, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, अब यहाँ पे आप बताइएगा किसमें हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बेसिकली इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, जल्दी से बता दीजिए इसमें हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम किसमें अफेक्टेड होगा। ओके मैं देख लेता हूँ आप लोग किस किस ने कमेंट कर दिया है जी, ओके वेरी गुड, तो 14 का डी हो जाएगा स्मॉल पॉपुलेशन, ओके लार्जर पॉपुलेशन में, अरे यहाँ पे लिखा है अफेक्टेड ना, अफेक्टेड किस में होने वाला, अफेक्टेड स्मॉलर पे होगा ना,
ओके क्लियर. अफेक्टेड किस में होगा? स्मॉलर में होगा. लार्ज रैंडमली में तो कोई चेंज ही नहीं होगा. ठीक है, तो आंसर भी स्मॉलर पॉपुलेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जज करना है. पैलिंड्रोमिक किसको बोलते हैं? दोनों स्ट्रैंड में 5 to 3 प्राइम में सेम रीडिंग होगी. ठीक है, चलो रीड करते हैं भाई. रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर सामने मिल गया. GATTC 5 to 3, अगेन पढ़ो GATTC. ठीक है, 5 to 3 हमेशा रीडिंग जानी चाहिए तुम्हारी, तो 15 का ए हो जाएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बढ़िया सवाल है, आइए पढ़ते हैं. फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज फिम्ब्रा. तो फिम्ब्रा का काम क्या होता है? फिम्ब्रे ऐसे फिंगर लाइक क्या पकड़ने के लिए? किसको पकड़ने के लिए? ओवम को कैच करने के लिए. तो आंसर क्या हो जाएगा 16 का? ओके, रिलीज ओवम फ्रॉम ग्राफियन. नो, नॉट एट ऑल. नेसेसरी चेंजेस डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस. नॉट एट ऑल. तो बचेगा क्या? कैच करने, कलेक्ट करने के लिए ओवम को. क्लियर? ऑप्शन नहीं दिख रहा क्या? ऑप्शन नहीं दिख रहा. ठीक है, सॉरी, अब मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ. एक सेकंड, अभी दिखेगा. ठीक है, अभी क्लियर है ये वाला? हाँ जी, अभी क्लियर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बढ़िया सवाल है, आइए देखते हैं. कलेक्शन ऑफ एग्रीगेट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस मेनली हेल्प इन. एग्रीगेट ऑफ जो फ्लावर होते हैं वो क्या चीज में हेल्प करते हैं? चलिए आइए बता दीजिए. ओके, पर्पल पर्पल, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है. कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स क्या चीज में हेल्प करते हैं? कलेक्शन ऑफ एग्रीगेट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस क्या होना चाहिए? मार्क कर दीजिएगा. आंसर आ गया 17 का बी, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर एंटोमोफिली. ओके, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन जो होती है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली. कितने क्वेश्चन है? 70 के अराउंड तो पक्का जाने वाले हैं. और एनटी अभ्यास में इतने सारे पेपर है ना, तो रात को 12 बजे भी आज हम लोग एनटी अभ्यास को कंटिन्यू करने वाले हैं स्पेशल क्लास में. अब आपको पता नहीं है स्पेशल क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, अनअकैडमी पे जाके सौरभ शर्मा सर्च करना है, प्रोफाइल आ जाएगी, उसमें स्पेशल क्लास आज रात 12 बजे से फ्री है. स्पेशल का मतलब फ्री क्लास है, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 क्या सवाल है? द ऑर्गन विथ सिमिलर स्ट्रक्चर ओरिजिन बट डिसिमिलर. सबको पता है होमोलोगस मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. लिख लिया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने पूछा है, कौन से प्लांट में एडिबल रूट मिलते हैं, एडवेंटिशियस रूट एडिबल हो जाते हैं? तो आंसर विल बी इपोमिया बताताज. आ गया आंसर, तो नंबर डी, स्वीट पटेटो, रूट बोला है ना इसीलिए. नाउ एक और बढ़िया सवाल है, आइए इसको जज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको ए और बी को एनालाइज करना है और आपको बताना है करेक्ट सोर्स कौन सा है, करेक्ट सोर्स चूज करना है. ओके, ओहो चलिए कोई बात नहीं, आइए बताइए. तब तो स्पेशल क्लास के साथ प्लस भी आप अटेंड कर सकते हो. आइए इसका आंसर बताइएगा गाइस, क्या लगता है क्या होना चाहिए? ओके, थोड़ा सा सोचेगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या लगता है? एड्स, हर्ट, स्वाइन फ्लू. ओके, एड्स, हर्ट, स्वाइन फ्लू, ऑर्गन ट्रांसप्लांट. अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, स्वाइन फ्लू वायरल हो जाएगा तो सर पेनिसिलियम का क्या काम है यहाँ पे? ठीक है, वायरस के ऊपर तो ऐसे भी एक्ट नहीं करेगा. अगर आप सोच रहे हो उसके ड्रग है, तो वायरस के ऊपर तो पेनिसिलियम वाला बोलेगा हम क्या करेंगे भाई. ठीक है, एंटीबायोटिक है हम तो यार पेनिसिलियम से. तो आंसर आ जाएगा नंबर डी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या यूज करते हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या निकलता है? साइक्लोस्पोरिन निकलता है. क्या निकलता है? साइक्लोस्पोरिन. साइक्लोस्पोरिन याद रहेगा, साइक्लोस्पोरिन निकलता है. क्लियर? आइए आगे बढ़ जाते हैं. और हार्ट से रिलेटेड जो हार्ट अटैक बेसिकली पूछा जा रहा है यहाँ पे, हार्ट अटैक के लिए क्या यूज करते हो कोई भी? आपको याद है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करते हैं. ओके, तो दिमाग रखिएगा ये सब चीजों में, सवाल में, क्योंकि ये सब थोड़ा सा ब्रेन गेम हो जाता है खेलने में. तो आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, है ना? 4 वाला राइट है. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज द बेसिक सवाल. एडिशन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है यहाँ पे? सिंगल बेस पेयर का. तो अल्टीमेटली सिंगल बेस पेयर हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन. एक पॉइंट पे काम हो रहा है तो पॉइंट म्यूटेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी, एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है, हाउ मेनी कोडॉन कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड. हाउ मेनी कोडॉन्स कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड, चलिए बता दीजिए. याद करिएगा, कोडॉन टोटल 64 होते हैं, बट 61 कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड. तो आंसर विल बी नंबर डी. 22 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. क्लियर? 22 का सी नहीं होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना कि 61 कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड आउट ऑफ 64 आई गेस है. ओके चलिए आइए आगे. क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 क्या सवाल है? ओके, कॉल्चिसिन के बारे में पूछा है, कौन सी फैमिली है इसके? ओके, और कॉल्चिसिन के लिए है लिलिएसी. लिलिएसी क्या है? लिलिएसी फैमिली का है. अब ये क्या करती है? ये जो बेसिकली जो ड्रग है ये मेटाफेज पे अरेस्ट लगाती है. लिख लीजिएगा, मेटाफेजिक अरेस्ट.
और इसके कारण क्रोमोसोम डबलिंग हो जाती है। क्रोमोसोम डबलिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? पॉलीप्लॉइडी। सो आंसर विल बी नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी बेसिक क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, फोरो क्लॉक प्लांट, डॉग फ्लावर, एंटीरिनम मेजर्स, आई गेस यू डू रिमेम्बर, मिराबिलिस जलापा। ओके, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा इसके लिए। आ जाओ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे फाउल का जो एक कलर होता है ना विंग का, उसमें भी था ये, उसका नाम क्या था फाउल का, कोई कमेंट में बताएगा? आई गेस जल्दी बता दीजिएगा कमेंट में, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओ सॉरी, 5 कहाँ से बताइए सर, आप कुछ भी लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 25 लिखिए पूरा। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द ह्यूमन बींग, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हो जा रहा है मेल, और फीमेल ईस्ट्रोजन, तो बोथ करेक्ट है ना इसके लिए, बोथ करेक्ट है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा गया इसीलिए मैं उठा रहा हूँ। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप डू वी फाउंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अल्टीमेटली इवोल्यूशनरी का बात किया गया, मतलब को इवोल्यूशन जा रहा है। को इवोल्यूशन में तुमको याद है प्लांट एनिमल, मतलब क्या हो गया, फ्लावर के साथ बी का, तो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप आ रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओके, एंडलुशियन फाउल्स, वेरी गुड। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा 26 का, डी, एनसीईआरटी में है। ओके, डोंट वरी गाइस, प्लांट एनिमल बोला है ना, प्लांट एनिमल 26 में, प्लांट एनिमल में क्या हो जाएगा जी? ओके, क्लियर, बीज का बोला गया है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ना को, ये स्यूडो कॉपुलेशन हो गया, या फिर तुमने और पढ़ा था ये फिग का पढ़ा था को इवोल्यूशन का, तो वो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ओके, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाई, देखो सवाल ट्विस्ट है लेकिन है सिंपल, बहुत सिंपल, और ये एनसीईआरटी में है इसका जिक्र, क्योंकि तुमको पता है हेटरोट्रॉप कौन है इसमें से, इन चारों में हेटरोट्रॉप कौन है, ये आप बता दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या लगता है क्या होना चाहिए हेटरोट्रॉप? 27 का डी, कितना इजी आ गया। ओके, एंडोमाइसिटीज ये सब तुमने पढ़ा था, तो फंगस हो जाएगा ना, हेटरोट्रॉप, ऐसे एलिमिनेट करना है आपको। ओके, नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अगेन बेसिक क्वेश्चन, इन अडल्ट ह्यूमन द वर्टिब्रा दैट इज फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ फोर वर्टिब्रा, चार वर्टिब्रा मिलके एक बन रहा है, तो क्या होगा नाम जल्दी बता दीजिए? याद आ रहा है, चार, कॉकिक्स, वेरी गुड, कॉकिक्स टेल बोन, इसमें चार मिलके कितने बनते हैं, एक बन जाता है, याद है, और सैक्रम में पांच मिलके एक बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एट लास्ट एक्सेस तो सर्वाइकल के हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा के हैं ना सर यहाँ पे। ओके, बाद क्लास आपकी नहीं दिख रही, क्लास नहीं दिख रही मेरी, आप सौरभ शर्मा सर्च करिएगा, उसके बाद एक प्रोफाइल आएगा, उसमें मेरा ऐसा चेहरा है, ठीक है, उसके नीचे स्पेशल क्लास लिखा हुआ होगा, स्पेशल क्लास पे क्लिक कर दीजिएगा, सारी लाइन से आ जाएगी, एंड आई नो दैट ऑल दोज आर टोटली वर्थ इट अगर आप देखना चाहो। ओके, और लाइव अभी आधे, बस बोलता हूँ ना, 12 बजे लाइव वहीं पे आने वाला हूँ अभी। नाउ व्हाट इज करेक्ट अबाउट द कोटिलेडॉन प्रेजेंट इन द सीड ऑफ पाइनस, न्यूअर क्वेश्चन है। आपको पता है यहाँ पे मेनी होते हैं, मतलब 3 से 18 के अराउंड, इतने ज्यादा होते हैं, अगर आप सर्च करो गूगल तो आपको पता चलेगा पाइनस में बहुत ज्यादा होते हैं कोटिलेडॉन, तो आंसर भी नंबर डी, नया क्वेश्चन आया पता चला आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। अब ये वाला तुम्हारे मॉक टेस्ट में बहुत बार पूछा गया, अगर तुम कोई भी स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट देते हो ना, तो उसमें ये जिक्र किया गया है कॉलिप्स हार्मोन, व्हाट इज नोन एज कॉलिप्स हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन। ओके, चलिए आइए यहाँ पे। ओके, चलिए आइए देखते हैं, ये वाला सवाल करिएगा। ओके, चलिए आइए, कॉलिप्स हार्मोन बताना गाइज, यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए, कॉलिप्स हार्मोन। चलो तो 30 का क्या लग रहा है, पैराथॉर्मोन। देखो गाइज, इसीलिए मैंने नाम क्या रखा है यहाँ पे, मैंने रखा है एंटी अभ्यास एनसीआरटी बेस्ड, ठीक है, मतलब बोलते हैं कि उसी लेवल पे रहेंगे हम लोग, जिससे आपको पता रहे, है ना, ऐसा नहीं कि मैं एकदम बाहर के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और फिल्टर्ड क्वेश्चन है, आपको कभी भी लगा कि किसी एक पेपर को पूरा उठा के 90 करवा रहे हैं, नहीं, उसमें सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चंस को, जो आप बना पाओ, जो थोड़े रेलेवेंट लगे उनको सेलेक्ट किया जाता है, तो पैराथॉर्मोन हो जाएगा। पैराथॉर्मोन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में क्या लिखी गई है, पैराथॉर्मोन इज हाइपर कैल्सिमिक हॉर्मोन, क्या बोलते हैं इसको, हाइपर कैल्सिमिक हॉर्मोन, क्लियर, देखो ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में लिखा हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन एनसीईआरटी, अब बोलो ये सवाल तो बनना चाहिए ना, कि भाई इसमें पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द स्पर्म पेनिट्रेट करता है एग को, याद करिए किसके पास एंजाइम होता है, एंजाइम होता है सर एक्रोसोम के पास, तो एक्रोसोम इज द आंसर ऑफ चॉइस, इसके पास स्पर्म लाइसेंस होते हैं,
याद आ रहा है, पढ़ा है जोनल लाइसिन, ये सब बहुत कुछ है एक्चुअली अंदर में आपने पढ़ा है। तो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हाइलुरोनिडेज हो गया, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हो गया, जोनल लाइसिन्स हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 30, कितना है, 32। अब बताओ ये सवाल तुम्हारे एनसीईआरटी में ड्रॉइंग है या नहीं? एकदम है सर। अब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पूछा है यहाँ पे इतना जो मैचिंग है यहाँ पे कौन सा गलत है, कौन सा मैचिंग गलत है यहाँ पे। चलो आप देखते हैं, तो ये तो ह्यूमरस है, ये सही है सर। क्लाविकल इसको लिखा और स्कैपुला इसको लिखा है, टोटली रॉन्ग। स्कैपुला तो ये नीचे वाला, ये स्कैपुला होगा ना, और ये ऊपर वाला ये क्लाविकल होगा, तो आंसर में सी हो जाएगा, आपको इनकरेक्ट पूछा था, तो नंबर सी इज द आंसर ऑफ चॉइस। बताओ कितना इजीली निकाल लिया तुमने। चलो क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। अब देखो ये वाला भी एनसीईआरटी का है। आइए क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज बर्थ कंट्रोल मेथड सच एज हॉर्मोनल, मैकेनिकल एंड सर्जिकल। सर्जिकल बोला है तीसरे नंबर पे, रिदम इज नॉट सर्जिकल ऑब्वियसली, कॉन्डम ओके ऑब्वियसली नॉट सर्जिकल, वासेक्टॉमी इज सर्जिकल, यहाँ स्पर्मिसाइड इज ऑब्वियसली नॉट सर्जिकल, तो गलत हो गया। तो आंसर बी नंबर सी। देखो कितना जल्दी आपने एलिमिनेट किया। ओके 33 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, अगेन एनसीईआरटी बायोलॉजी, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, तुमको दो ही लिखा है, एक क्या लिखा है उसमें सल्फर और एक फॉस्फोरस, तो आंसर बी नंबर बी। कितना इजीली निकाल लिया सेडिमेंट्री वाले का। आओ अब ये देखो, ये एनसीईआरटी की ड्राइंग को कॉपी पेस्ट किया गया है, क्या मानते हो ना कि एनसीईआरटी की ड्राइंग है सर, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है यहाँ पे। अब आप बताओ मुझे, मैं थोड़ा सा जूम ये ऐसे कर दिया, अभी यहाँ पे आपको ड्राइंग अगर दिख रही है और लिखा हुआ दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है, दिख तो रहा है। यहाँ पे पूछा गया है ये जो एक्स है ना, ये कहाँ गया, ये एक्स पार्ट से इतने सारे हार्मोन में कितने हार्मोन निकलते हैं एक्स से, ठीक है। चलो अब मार्क कर दीजिएगा इसका क्या लिखते हैं, 4, 3, 1 और 2, मतलब ए बी सी डी ऑप्शन में क्या लगाना चाहिए। 35 का, 35 का आंसर विल बी नंबर सी, एक ही निकलता है, कौन सा, एड्रीनलिन, क्योंकि ऑप्शन में तो यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं, तुमको तो एक ही चूज करना है, एड्रीनलिन होगा, क्योंकि एड्रीनल मेडुला से पूछा है ना, एड्रीनल मेडुला से कैटेकोलामिन निकलते हैं, क्लासिकल एग्जाम्पल एड्रीनलिन, क्लियर। आइए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, एक और सवाल आ रहा है, जिफ्ट, जिफ्ट में आप क्या करते हो, याद करिए ये क्वेश्चन भी बना हुआ, जिफ्ट में आप क्या करते हो, फेलोपियन ट्यूब में क्या भेज सकते हो, लेस देन 8 सेल्ड है ना, तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो अप टू 8 सेल स्टेज, क्लियर हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, अगेन एनसीईआरटी, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन, एकदम तीनों स्टेप को ही बताया गया, नो एक्स्ट्रा, बता दीजिए, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, देन रीअब्सॉर्प्शन, देन सिक्रीशन, तो आंसर विल बी नंबर बी 37 का, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 तुम्हारे स्क्रीन के सामने एक सवाल आ गया प्यारा सा, क्वेश्चन नंबर 38 पे, हाउ मेनी टाइम्स मोल्टिंग अकर, बता दीजिए कितने बार मोल्टिंग होती है। ओके कॉकरोच में कितने बार मोल्टिंग होती है, ओके 38 में 13 बार मोल्टिंग होती है, बताया ना 13 टाइम मोल्टिंग, इसमें जो तुम्हारे डेवलपमेंट आता है उसको पोरोमेटाबोलस बोलते हैं, अरे वाह सर ये भी बता दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सेप्ट, अब एक बात बताओ, ये एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा कवर्ड है, और ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है, ठीक है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया एक बार, आपको पता है हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लिखा है यहाँ पे रियो डी जेनेरियो, आपको पता है, यस सर जी पता है मेरे को, यहाँ पे अर्थ समिट हुआ था और वर्ल्ड समिट तुमको हुआ है जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में, ओके और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट डेजर्ट, मान लो चलो ये आपको नहीं पता, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी आपको सुन लीजिए, नागार्जुना सागर, ये आपको पता है नागार्जुना सागर फॉर टाइगर है, क्या चीज के लिए, टाइगर के लिए, राइनो का तो आसाम में आपने पढ़ा था, तो नागार्जुना सागर फॉर टाइगर लिख दें क्या, टाइगर, तो 39 का क्या हो जाएगा, सी रॉन्ग है ना, ये नागार्जुना सागर किसके लिए था, टाइगर के लिए था, क्लियर। ओके आइए आगे बढ़ते हैं, पीवाईक्यू जो जो बच्चे सॉल्व करते हैं उनको पता है ये था नागार्जुना सागर। आइए क्वेश्चन नंबर 40, अब ये एनसीईआरटी को कवर किया गया है, सेलेक्ट द सेल स्ट्रक्चर दैट आर नॉट एक्सक्लूसिव ओके फीचर ऑफ बैक्टीरियल सेल, पिली ओके पॉलीजोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गैस वैक्यूल और डीएसडीएनए, डीएसडीएनए ऑब्वियसली नहीं है, तो ई तो होना ही चाहिए है ना, ई को तो होना ही चाहिए, मतलब क्या, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव, क्योंकि हम लोगों में भी डबल स्टैंडर्ड है ना, क्या दिक्कत है, ओके इतने सारे ऑर्गेनिज्म है उसमें डबल स्टैंडर्ड मिल रहा है, तो ई खोजिए कौन से ऑप्शन में है सर, एक ही जगह है, तो आंसर विल बी नंबर सी, इतने सारे मिल गए बी सी एंड ई, जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कॉमन आ जा रहे हैं, देखो कैसे आपने एलिमिनेट किया,
क्वेश्चन का अप्रोच देखिए, आपको एक ऑप्शन पता था, आप वहां से एलिमिनेट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। ओके थोड़ा एंजाइम्स के बारे में पूछा गया है, लेट्स सी। ओके एबीसी प्रोसेस में 41 नंबर, आप चलिए मार्क करिएगा। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है? डीएनए के ऊपर डिपेंड करके आप क्या बना रहे हो? डीएनए ही बना रहे हो, डीएनए पे डिपेंड करके डीएनए बन रहा है। ओके तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, पहला वाला लिखा आरएनए डिपेंडेंट, गलत हो गया। डीएनए के ऊपर डिपेंड करके आरएनए थोड़ी बन रहा है, पहले डीएनए के ऊपर डिपेंड करके डीएनए ही बन रहा है। तो आंसर विल बी नंबर बी। क्लियर हो गया 41 का बी? देखो एक ऑप्शन देके निकाल लिया, फिर डीएनए से जब तुम आरएनए बना रहे हो तो डीएनए के ऊपर डिपेंड करके आरएनए, तीन नंबर में उल्टा हो रहा है कि आरएनए से डीएनए बना रहे हो, तो आरएनए के ऊपर डिपेंड करके डीएनए बना रहे हो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करना चाहिए, 42, चलो ये कर दो। ओके टेम्परेट रीजन में लिखा है लार्ज नंबर ऑफ ज़ाइलरी एलिमेंट हैविंग वेसल विथ वाइडर कैविटीज, स्प्रिंग वुड बोलते हैं, स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड भी बोला जाता है, तो डी हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ओके अब यहाँ पे बताना है आपको कोआगुलम या क्लॉटिंग में कौन सा आयन रोल प्ले करता है, क्लॉटिंग में कौन सा आयन रोल प्ले करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरी गुड, तो आंसर विल बी 43 का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प इन डिक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब इसमें से मुझे जल्दी से बता दो, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कौन सा इसमें स्टेटमेंट मदद नहीं करने वाला। अगर तुम फॉसिल फ्यूल को कम यूज करोगे तो ऑब्वियसली तुम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हो, पहला सही है। अगर तुम करने वाले हो इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, ये भी सही है। उसके बाद कटिंग ट्रीज एंड इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर तुम पेड़ काट रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग कम होने वाला है क्या? ऑब्वियसली नहीं कम होने वाला, तो सी नंबर इज गलत। क्लियर हो गया? ओके लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत। ओके आई गेस आपको ये हो गया, और यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। काइंडली मैं तुमको अपडेट कर दे रहा हूँ, डिफॉरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा ना, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? कोई को अगर कुछ लगे तो मुझसे पूछ लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ओके फाइंड द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट किंगडम, वेरी बेसिक क्वेश्चन। प्लांट किंगडम में ये इंसेक्ट क्या कर रहा है, आर्थ्रोपोड क्या कर रहा है, गलत है ये। आई क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं, ये बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 46 थोड़ा सा आपको पढ़ना है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। ओके बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आएगा ना नीट में, आइए पढ़ते हैं। द गैमेटोफाइट ऑफ मॉस इज फिलामेंटस इन इनिशियल स्टेज, ओके और क्या लिखा है, इन साइकस द पोलन आर शेड एट थ्री सेल स्टेज, और क्या लिखा है यहाँ पे, ओके सिलाजेनेला शोज मेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, एल्गा आर एम्ब्रायोफाइट्स। आपसे पूछा ट्रू स्टेटमेंट, मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, क्या करें सर, कुछ भी नहीं आता, ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेशन कर देंगे और आंसर ले आएंगे। ठीक है ऑप्शन को एलिमिनेट करिए और आंसर ले आइए, सर कर दीजिए जल्दी से। डी नंबर वाला गलत है क्योंकि एल्गी में तो एम्ब्रायो नहीं बनेगा ना, दे आर नॉन एम्ब्रायोफाइट्स, तो डी को एलिमिनेट कर दिया सर जी, इतना जल्दी कर दिया डी को। अब बचा गया दो ऑप्शन में, अब आपको एक चीज याद रखना है, बी वाला मोस्ट करेक्ट हो सकता है क्योंकि देखो शेडिंग की बोली जा रही है, शेडिंग हो सकती है कैसे, क्योंकि जब आप थोड़ा सा हायर रेफरेंस पढ़ते हो आपको पता चलता है हाँ, और जब आप डाइकॉट को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो तब पता चलता है, क्योंकि एडवांसमेंट आ रहा है ना, तो मेल गैमेटोफाइट क्या होता है उस टाइम पे टू सेल स्टेज में शेड हो जाता है, जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हो 60% एंजियोस्पर्म में। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 47, 47 आप मार्क करने वाले हो, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में, याद करिए गैस्ट्रुला जब हो रहा था, मतलब कब था, जाइगोट पहले, उसके बाद मोरूला, ओके उसके बाद ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, देन गैस्ट्रुला। ओके तो गैस्ट्रुलेशन में आप बताइएगा तीनों जर्म लेयर बनते हैं, आपको याद है ऑल द थ्री जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्टो मेसो एंड एंडोडर्म, तो ऑल ऑफ देम, आंसर विल बी नंबर डी, 47 डन कर दिया। आइए एक और प्यारा सा सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको खोजना है, ऐसा सवाल हमने बहुत सारे किए आई गेस। हर्बीवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर ही तो बोलते हैं हर्बीवोर्स को, क्या बोलते हो, प्राइमरी बोलते हैं ना, तो आओ मैं लिख देता हूँ प्राइमरी कंज्यूमर, तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। हर्बीवोर्स ऑब्टेन देयर फूड फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, ऑब्वियसली वो प्लांट्स ही तो फूड लेंगे ना हर्बीवोर्स, और किससे लेंगे, प्लांट्स ही लेंगे, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो क्या हो जाएगा आंसर 48 का, 48 का हो गया ए, वेरी गुड। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49,
ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ये आज ही मैंने बताया था, लैटरल रूट को बनाने में कौन मदद कर रहा है और कॉर्क कैम्बियम, ये वाला आज हम लोगों ने शाम को क्वेश्चन किया था, याद करिए लैटरल रूट फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, जल्दी जल्दी बता दो। ओके ओके, थैंक यू सो मच चेन्स मुखर्जी। गाइस वीडियो लाइक कर दो यार जल्दी जल्दी से, लास्ट दिन भी आपने लाइक नहीं किया था वीडियो, आज लाइक कर दीजिए गाइस, क्योंकि आज तो मौका है एंटी अभ्यास का। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरीसाइकल, आज ही मैंने बताया था शाम की क्लास में, याद करो रैपिड फायर में, शाम 7 बजे रैपिड फायर जो लिया था आधे घंटे का, नाउ पेरीसाइकल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, म्यूटेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वराइस व्हाइल वर्किंग ऑन, ओके इवनिंग प्राइमरोज। अब यहाँ पे इवनिंग प्राइमरोज कहाँ है, इवनिंग प्राइमरोज मार्क करो जल्दी से, इवनिंग प्राइमरोज खोज के मार्क करो मेरे को, क्या होगा इवनिंग प्राइमरोज। ओके वेरी गुड, चलो 50 का सी होगा, अरे ए मत मार देना भाई, प्राइमरोज बोला हूँ रोज नहीं बोला हूँ। ओके लिख लीजिएगा, इनोथेरा लामार्कियन ऑल्सो कॉल्ड एज इवनिंग प्राइमरोज। नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर क्वेश्चन, ब्लड रिसीव्ड बाय द राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रिया रेस्पेक्टिवली आर, जो ब्लड रिसीव होता है राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आता है। ओके दिल बना ले क्या, दिल ऐसा वाला दिल बना ले, ऐसा भी याद रखने के लिए बना लेते हैं राइट एट्रियम, ठीक है ऐसा एक्चुअली नहीं है, हम लोग ऐसे कन्वेंशनल ऐसा बनाते हैं ठीक है आसानी से, क्योंकि इतना कौन घुमाएगा, राइट ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड आ जाता है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट में पल्मोनरी वेन के द्वारा, क्लियर। ओके तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो आंसर डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड रेस्पेक्टिवली सी हो जाएगा, क्लियर। 51 डन। ओके 52 करो जल्दी से, ये थोड़ा सा बाहर का सवाल आ गया, मैं सिखा दे रहा हूँ, कुछ तो सीखने भी आए हो क्लास में। सबसे ज्यादा रैपिडली ट्रांसपोर्टेड शुगर जो है वो गैलेक्टोज है, जस्ट मेमोरी बेस है, एक चीज याद रखिएगा, क्लियर, गैलेक्टोज इज द आंसर ऑफ चॉइस। अब ये बता दो, कल रात को नॉकटर्नल में किया था शायद, सॉरी ये बता दीजिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया ज्योमेट्रिक, ओके बोल दिया सर, ज्योमेट्रिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन कंट्रोल्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, अब अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा जब कंट्रोल किया जाता है तो ये कैसा ग्रोथ हो जाता है, आप बता दो मुझे, अगर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा कंट्रोल्ड है तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए। ओके सर जी आ गया, थोड़ा सा ध्यान दिया आ गया आंसर, वेरी गुड, 1 माइनस n/k की आपके लिए चीट कोड दिया था, वीपी कर्व है ये तो ऑब्वियसली, वीपी आर है लॉजिस्टिक। चलो आओ एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रूट प्रेशर, देखो ऐसे बड़े सवाल आपको तैयार रखने हैं पढ़ के, यहाँ पे रूट प्रेशर के लिए गलत क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे गलत क्या है। ओके लिख दूँ क्या, गलत क्या है जल्दी बता दो, रूट प्रेशर के लिए गलत क्या है। ओके क्या लगता है यहाँ पे सर, रूट प्रेशर मेजर रोल प्ले नहीं करता टॉल ट्री में, टॉल ट्री में पानी पहुंचाने के लिए मेजर रोल नहीं प्ले करता है रूट प्रेशर, लिख लीजिएगा, तो 54 का सी, वेरी गुड, चलो आओ आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं, एक और सवाल आ गया, ये तो आपको पता है एडीए जीन को डिलीवर करने के लिए इसमें से क्या यूज करेंगे जल्दी बता दीजिए, रेट्रोवायरल, ओके रेट्रोवायरस यूज करेंगे ना क्लोनिंग वेक्टर में, रेट्रोवायरस, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, क्लियर डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा सवाल भाई, 52 कहाँ हो गया। ओके 52 का आंसर गैलेक्टोज है, मार्क दैट आउट, ठीक है आई गेस मैंने बता दिया गैलेक्टोज, क्लियर सबसे रैपिडली होता है इसका ओके ट्रांसपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, ये आज शाम को अगेन किया था, एट विच साइट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आरएनए पॉल बाइंड्स, आरएनए पॉल कहाँ पे बाइंड करता है, ओके ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर, लगा दें क्या, लगा दीजिए क्या जाता है। ओके आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल है, ऑप्शन ही तो ऐसे ऐसे दिए आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 57, ये थोड़ा इजी सवाल बन गया, आइए एलिमिनेट करते हैं, थाइलाकॉइड, क्रिस्टा, सिस्टर्ना और क्रोमाटिन, अब देखो क्रिस्टा कहाँ पे मिलते थे, क्रिस्टा CRISTAE, क्रिस्टा, क्रिस्टा तुमको इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया था, तो बी का हो गया तुम्हारा 4, बी का 4 कहाँ दिया, दो जगह दिया है, ए का तो सेम सेम दे दिया है, अब आइए सी नंबर देखते हैं, सिस्टर्ना गोल्गी से रिलेटेड था, अभी अभी तुमने पढ़ा है गोल्गी से रिलेटेड था क्या, हाँ जी पढ़ा था, ओके तो सिस्टर्ना के लिए सी का 1 लगा देते हैं, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा था, ओके सी का 2 तो कतई ही नहीं होगा, सिस्टर्ना तुम डीएनए को बोलोगे ऑब्वियसली नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा नंबर ए, क्लियर हो गया, 57 कितना आसानी से तुमने कर दिया।
आई क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं, और ये एनसीईआरटी में दिया है या नहीं आप कमेंट में बताने वाले हो, ये कमेंट करिए ये एनसीईआरटी में है या नहीं। ओके कमेंट डाउन कि एनसीईआरटी में है तो यस लिखिएगा, यस और आंसर। और आंसर क्या है इसका, बहुत इजी है वैसे तो, आप इसको कमेंट करके बताना ये एनसीईआरटी में है या नहीं। ओके चलो मैं बोल दूं क्या, मैं बोल दूं यस है एनसीईआरटी में, आंसर विल बी नंबर ए। ठीक है, बीटा के लिए 11th हो जाता है, अल्फा के लिए 16th हो जाता है क्रोमोसोम, और ये एनसीईआरटी में 58 का बी होगा क्या, क्या लगता है सर? बीटा, बीटा के लिए तो 11th आएगा ना, 58 का क्या लगता है सर जी? 58 का तो ए था, क्या हो गया, ए नहीं था सर जी, ए नहीं था, झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो, मॉलिकुलर में लिखा नहीं है। अरे लिखा है भाई, भरोसा रखिए। क्या लिखा हो, कौन से चैप्टर में, मॉलिकुलर में है? नहीं, मॉलिकुलर से पहले वाले में है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 5 ओपन करते हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ओपन करोगे तो आपको स्क्रीन के सामने, अगर मैं दिखा पाया तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है, न्यूअर एनसीईआरटी में अपडेट है गाइज, न्यू वाली एनसीईआरटी में। सो अगर आपके पास नहीं है न्यू वाली तो आप एक बार जरूर चेक करिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। ओके अल्फा 16 हो जाएगा, बीटा बी है, बी मतलब 2 1 आ गया, तो आप लोग ऐसे याद रख लेना। चलो कोई बात नहीं, तो जिनको याद नहीं था उनके लिए था ये सवाल, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ओके इजी सवाल है, डाई को इंजेक्ट कराया गया प्लांट सेल में, अब वो एडजेसेंट सेल में पहुंच गया किसके मदद से, जल्दी बता दो एडजेसेंट सेल में वो किसके मदद से पहुंच गया, क्या लगता है? मैं तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूँ, जल्दी बता दो एडजेसेंट सेल में वो किसके मदद से पहुंच गया सर जी? ओके जल्दी बता दीजिएगा, क्लियर हो गया? ओके तुमको एनसीईआरटी में तुम देखोगे ना, इस बार न्यू अपडेटेड वाले में था वो वाला, न्यू अपडेटेड में, तो आंसर आ जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा। वेरी गुड, 59 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अब ये एक बात बताओ, एक ये रिले सेंटर बन रहा है अल्टीमेटली सेंसरी ये सबको भेजने के लिए, तो कौन है इसमें वो रिले के जैसा, कौन काम कर रहा है जल्दी बता दीजिए, कौन काम करेगा यहाँ पे? ओके भरोसा है एनसीईआरटी पर, है क्या भरोसा? चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा थैलमस, लिख लीजिएगा थैलमस इज द आंसर ऑफ चॉइस, ठीक है, क्योंकि आपको सेरिब्रम पे भेजना है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कितना करना है, 61, 61 करना है ना, आइए 61 करते हैं। ओके गैसियस सबको पता है इथाइलिन, इसको कमर्शियली आपने नाम सुना होगा इसका, इथीफोन, इथीफोन का नाम सुना है ना आपने, क्या बोलते हो? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या सवाल है, विथ रिगार्ड टू क्रॉस पॉलिनेशन स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन आर लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड। भाई देखो स्टिकी बोला है, सीधी बात स्टिकी, स्टिकी बोल दिया बस, और कुछ नहीं करना है, तो अल्टीमेटली तेरे को स्टिकी पोलन ग्रेन कहाँ मिलेगा, तेरे को स्टिकी, स्टिकी क्या लगाना चाहिए 62 पे, जल्दी लगा दे स्टिकी, स्टिकी। ओके लग गया 62, लगा देते हैं तुमको इंसेक्ट के द्वारा। चलो आओ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है अट्रैक्टिवली कलर्ड, स्टिकी स्टिकी, चलो आओ आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 करें क्या, 63 करते हैं। एंटीबॉडीज सबको पता है, बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल, कितना बार बताऊं, आई गेस मैं 15 से 20वें बार बता रहा हूँ सेम, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेसिव वीड स्पीसीज। अभी आपको एंटी अभ्यास के और एक सेट वाला सवाल आपको उसमें मिलेगा, अभी हम लोग कहाँ पे अनअकैडमी के ऐप पर करने वाले हैं, सो डोंट मिस, ठीक है आप ऐप पर जाइए जल्दी जल्दी से दौड़ के, सौरभ शर्मा फॉलो कर लीजिएगा, स्पेलिंग आती है ना, एस ए मत लिखना, बहुत लोग गलती लिखते हैं स्पेलिंग मेरी, एस ओ यू आर ए वी, ठीक है सौरभ शर्मा की स्पेलिंग थोड़ा सही लिखना, नहीं तो खोज ही नहीं पाओगे तुम मुझे। तो 64 का बी हो जाएगा, इकॉर्निया हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ओके इकॉर्निया, ठीक है ओके, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ओके इसमें बताओ तो यूनिसेलुलर किसमें मिलेंगे, प्लांटी में यूनिसेलुलर सोलली, प्रोटिस्टा में तो मिल रहे थे बट प्लांटी, ओके नहीं सर गलत है, प्लांटी तो नहीं होगा, अब क्या बचा आपके पास यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा मोनेरा प्रोटिस्टा कर देते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं, यहाँ पे आपको चूज करना है आइडिया अबाउट एम्फाइसीमा और उसका ट्रीटमेंट, एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से हो रहा है, तो सिगरेट स्मोकिंग एक जगह दिया है, और ट्रीटमेंट के लिए आप अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन यूज करोगे ना, एंटी हिस्टामिन थोड़ी यूज करोगे, तो ये गलत है, आंसर विल बी नंबर सी, क्लियर है ना दोस्तों? अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, इससे रिलेटेड मेरे को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का नाम बता दो, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो प्रोड्यूस करती थी उनका नाम जल्दी से कमेंट में बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, एक नंबर सवाल है भाई ये वाला, सबसे पहले कौन आंसर देगा, जल्दी आंसर दो, मैं नाम देता हूँ। ओके 67 का सबसे पहले कौन देगा,
बहुत लोगों ने ट्रेसी लिख दिया, बहुत सही लिखा यार, 67 का बता दो। रोज ही नहीं होगी, ट्रेसी होगी यार, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन के लिए। ओके 67 का सबसे पहले कौन बोलेगा? आई एम वेटिंग। ओके ऋतिका जी ने बोला, ओके उसके बाद ये ये अश्विनी जी ने बोला, वेरी गुड। इसके डॉक्टर स्पाइन ने, ओके गलत है क्या? 67 का डॉक्टर स्पाइन जी, उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा क्या? वेरी गुड, सी होगा। कैसे? याद करिए, लिखा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव फॉर मल्टी सेलुलर, नो मैन म्यूचुअली इंक्लूसिव फॉर यूनि सेलुलर। मल्टी सेलुलर के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना था, तो आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। ब्रायोफिलम, आई गेस एवरी वन नोज द आंसर, ठीक है 68 का सबको पता है ब्रायोफिलम में क्या हो जाएगा। सर जी लीव्स है, लीव्स गिरी फिर पेड़ हो गया। आइए आगे बढ़ जाते, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या सवाल है? सेकेंडरी सक्सेशन, व्हाई सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, रीजन क्या है? सिंपल रीजन बता दीजिए मुझे कि सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर क्यों होता है सेकेंडरी से, कम टाइम में हो जाता है। चलिए वेरी गुड, जल्दी बता गाइज। 169 वॉचिंग एंड लाइक्स ओनली 112, आई गेस दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। मैं जल्दी से आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, आप वीडियो लाइक कर दो, ठीक है? तो गाइज 16 तारीख तक ही ये ऑफर लास्ट, अगर आपके कोई भी भाई बहन, आपके फ्रेंड है, जो बच्चे सोच रहे हैं यस 11 12 अच्छे से पढ़ूंगा अन अकेडमी पे, और तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन नीट और जेई दोनों के, दोनों अनलॉक हो जाएगा 100%, और अराउंड इसमें 60,000, आपको इतना भी पे नहीं करना है। ये 60,000 में भी 10% ऑफ आपको एकदम आराम से मिल जाएगा, सो डोंट मिस। अगर आपके भाई या बहन का या आपका गोल नीट 22 में अच्छे तरीके से निकालना है, 16 जुलाई से पहले डिसीजन लीजिए, 1 ईयर का आइकॉनिक लीजिए और तैयारी में लग जाइए। इसमें भी प्राइस आपको 5,000 और कम हो जाएगी, 5 to 6,000 नियरली, क्योंकि 10% आपको डिस्काउंट कोड से मिलेगा सौरभ लाइव ओनली, और उसके बाद तो आपको पता ही है 10% क्रेडिट से भी मिलता है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, 16 जुलाई, इतना बढ़िया ऑफर, आई गेस बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया अनअकैडमी ने। तो चलिए आइए देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉइल, या फिर जो सेडिमेंट है ना 69 में वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो इनको सॉइल को वापस से फॉर्म नहीं करना है इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। बड़ा सवाल भैया जी, इतना बड़ा सवाल क्यों लेके आए? आओ पढ़ते हैं, मिल के बड़ा सवाल पढ़ते हैं, मिल के बड़ा सवाल पढ़ेंगे। द एपिथीलियम ऑफ द पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई होता है? हाँ जी होता है, सही है। तो यहाँ पे ट्री ट्रू कहाँ लिखा है? एक जगह लिखा है ट्रू, ठीक है इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, 2 जगह और 3 जगह, मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो एलिमिनेट ही हो गया पहले ही, पहले तो 2 को काट दो। अब बचा तेरे पास सेकेंड स्टेटमेंट, सिंपल एपिथीलियम कवर्स द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, सिंपल एपिथीलियम कवर करेगा ड्राई सर्फेस को, नॉट एट ऑल, ठीक है क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफिकेशन आनी चाहिए ना, तो ये तो गलत हो गया 2 वाला, यहाँ पे लिखा है ट्रू, तो इसको काट दो अब, ये गया। ओके अब बचा तेरे पास 1 या फिर 4, ठीक है? द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन्स स्केलेटल मसल्स, नो नॉट एट ऑल। तो देखो यहाँ पे तुमको बात किया जा रहा है इंटेस्टाइन का वॉल का, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? कंटेन स्केलेटल मसल, जब लिखा है तो ऑब्वियसली गलत है, स्मूथ मसल होते हैं, तो आंसर यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स यहाँ लिखा है ट्रू, तो इसको भी काट दो। बचा क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड। देखो ऐसे सवाल करोगे तब असली मजा आएगा, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 डन, क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं गाइस। आइए क्वेश्चन नंबर 71, बस अब लास्ट सवाल होगा आई गेस 71। क्या सवाल है जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या सवाल दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बाइंड, ओके इसमें से कौन सा जो है भाई साहब बाइंड नहीं करने वाला? ओके कैन नॉट बाइंड टू हेमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट बाइंड करके क्या करने वाला है? गलत है ना ये, तो बाइकार्बोनेट बाइंड नहीं करेगा, लिख लीजिएगा बाइकार्बोनेट बाइंड नहीं करता। ओके काइंडली अपडेट योर नॉलेज गाइज, ओके 71 का डी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट थोड़ी बाइंड करेगा, अरे आप लोग समझे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है बाइकार्बोनेट इज द आंसर ऑफ चॉइस ना। ओके काइंडली अपडेट योर नॉलेज गाइज यहाँ पे, अगर आपको हल्का सा लग रहा है, क्योंकि हेमोग्लोबिन के साथ एच प्लस कर सकता है, वो ऑक्सीजन कर सकता है, CO2 कर सकता है, बट नॉट द बाइकार्बोनेट, काइंडली अपडेट। चलिए कोई बात नहीं, नाउ एक और लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 70 कितना है ये? 71 होगा क्या ये? ओके नहीं ये 72 होगा, ये 72 बता दो मुझे, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल है, बस अभी बाय करने वाले हैं एक दूसरों को, जल्दी बता दीजिएगा सर। ओके चलिए आइए,
ओके चलिए आइए, ये हो गया ये वाला। देखो हम लोग पढ़ते थे जब, याद करिएगा, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ हेमोग्लोबिन, शायद आपको याद आ रहा है। बाइकार्बोनेट बाइंड करके क्या बनाएगा? ऑब्वियसली नहीं करने वाला। बाइकार्बोनेट हेमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करता है, जब आप लोग CO2 पढ़ते हो तो वहां पे उस टाइम पे जरूरत लगती है। ठीक है चलो, अब ये बता दो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है? सर इको RV हो जाएगा, इको R5 वाला, सेल 1 तो नहीं होगा, तो इको R5 ये ब्लंट एंड, ये PYQ गाइस, दिस इज PYQ, PYQ क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया। तो यार तालियां बजाओ, स्कोर बताओ मुझको कितना आया आपका स्कोर, आपका स्कोर कितना आया मुझे स्कोर बता दो। ओके कितना स्कोर किया आपने जल्दी से कमेंट में बता दो। आई एम वेटिंग, 72 क्वेश्चन हुए हैं ना आई गेस, 72 में आपका कितना स्कोर हुआ है बताना। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो यार शेयर कर सकते हो, मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर कर सकते हो गाइज, इतना आप कर सकते हो अगर हमने आपके लिए इतना किया है तो। थैंक यू सो मच, आपके लिए एक्सक्लूसिव क्वेश्चन लाया मैंने, जिससे कि भाई साहब मस्ती मस्ती में आपको कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कहाँ पे? रात को 12 बजे अनअकैडमिक पे फ्री क्लास होती है, फ्री है टोटली, मिस मत करना ठीक है, अभी 12 बजे। ओके चलिए वहाँ पे मिलता हूँ मैं आपको, बाय सिया।